जिस तरह पूरे देश में हालात बने हुए हैं, लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर हाथरस में जिस तरह आवाज़ को दबाने का काम किया है, हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी ने, और जिन लोगों ने तीन पीढ़ी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया उनके गरेबान में हाथ तक डाल दिया, और आज उस दलित महिला को न्याय नहीं मिला। इसलिए हमने मौन रखकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के हिसाब से कि ये भी हमें योगी सरकार और केंद्र सरकार से हमें आज़ादी लेनी है, और हमने मौन सत्याग्रह करके आज ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के हालात खराब हैं। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई आप तुरंत इस पर एक्शन लें, प्रधानमंत्री जी एक्शन लें और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करें।